वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो यार मतलब के रावण ने मांग लिया है अपना भाई साहब पूरा भवन भगवान शिव जी लोगों दक्षिणा में यार ये कैसी मांग और सारे कह रहे हैं कि मांग लिया है इंदिरा देवी जी ने। शुक्र किया शुक्र है स्वर्ग नहीं मांगी। तो अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट ये नर जी ने मशवरा दिया था मैं माँ के कथन से सहमत हूँ। मैं गृह की अवस्था नहीं है ना भैया। हालांकि ये लोग बड़े खुश थे लेकिन इन्होंने एक परिवार है वही भी तो। भवन का होना ना होना एक समान। आप इन्हें भवन दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। और प्रभु हमारी भी तो भवन की इच्छा नहीं थी। ये हमारे लिए तो ये हमारा कैलाश ही सबसे बड़ा भवन है। आए हाय हाय स्वामी संकल्प पूर्ण कीजिए और ये भवन दक्षिणा में दे दीजिए। सारा परिवार है तो ना भाई तो हालांकि सारे परिवार की सपना ये बात सही बोली। दशानंद मैं अपनी और पार्वती और अपने समस्त परिवार की ओर से ये भवन तुम्हें दक्षिणा के रूप में देता हूँ। जो भवन बनाया वो पार्वती पुत्री तुमने ये उचित नहीं किया। हाँ ना यार दशानंद यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये भवन लेकर जा सकते हो। अवश्य लेकर जा सकते हो। क्या मतलब? क्या मतलब है? तो चलिए प्रभु आपको और आपके समस्त परिवार को मेरे साथ चलना होगा। लो ये क्या बात है? तो बात ही वो तो बना था भगवान उठाने का लेकर जाने का और फिर भगवान शिव जी ने भी साथ जाने का। ये क्या यार घटना ये क्या सीन है? भगवान शिव जी का तो इन्होंने बोला हुआ था ना ये मेरा है पूरे परिवार के। सबसे बड़ी बात है भवन कैसे यानी कि पूरा इतना बड़ा वो कैसे उठाएं। मेरी बात सही है यार तुमने दक्षिणा में केवल भवन की ही मांग की थी। हाँ ये बात तो सही है भगवान शिव जी। मैं और मेरा समस्त परिवार कैलाश पर ही रहेगा। सिर्फ भवन की बात तुम्हें भवन के साथ प्रस्थान करना होगा। किंतु प्रभु ये ग्रह मैंने आपके और आपके परिवार के लिए बनाया है। यदि ये स्वर्ण भवन मेरा हो तो इसके निवासी भी तो मेरे हुए। ये घर जो इनका है तो उसके अंदर जो रहने वाले वो भी इनके हैं। यार अब ऐसा होता तो आजकल जो किराए के घर मिलते हैं। ये भवन जहां जाएगा आप भी वहीं चले। किराए का नहीं यहाँ सिस्टम हो रहे ना यार। फिर भी खुरम नहीं दशाला नहीं होता जो इसने बात बोली है। वैसे यार तुम्हें दक्षिणा के रूप में ये भवन मांगा और तुम्हें वो दे दिया गया। मैं तो नहीं लेकिन रावण अपनी तरफ से जो कह रहा है इसके अतिरिक्त सोच है ना ऐसी यार तुम्हारा किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है। आपके सबसे महान भक्त का स्वप्न था लेकिन महान भक्त आप सब उसके द्वारा निर्मित भवन में रहे। तुम तो रह रहे थे। अब तो गृह प्रवेश पूजा भी कर ली है लेकिन दक्षिणा में आप इसके निवासी हो गए। इनकी मंशा ही गलत थी ना भगवान। आपको इसी भवन में रहना होगा।
बस वो भक्ति के भगवान शिव जी से इतना प्यार है कि वो मेरे, अब मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। बस वो यही नहीं नशा, ये अन्याय नहीं, तुमने दक्षिणा के रूप में जो मांगा था वो तुम्हें मिल चुका है। हाँ। इस भवन को सहर्ष स्वीकार कर यहाँ से प्रस्थान कर। भवन कैसे लेकर जाएंगे यार? अब सबसे बड़ी तो विशेष बात ये, कसम मैं भी यही सोच रहा हूँ कसम से, किस तरह होगा। हाँ ना दशानन स्मरण कीजिए। अच्छा। कैलाश आते समय आपने शमशान में रुककर अपने देह पे भस्म मला था। भस्म मला था योगी बनने के लिए ना, ये आपके पिताजी के सबसे महान भक्त हैं। तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता कि पिताजी यदि ही है। केवल कैलाश या शमशान पिताजी का निवास हो सकता है। रावण क्या लगता है दिल टूट रहा है। हाँ ना, क्योंकि जैसे उनका मुंह बन गया ना। वही तो, अबे दिल तो सही कह रहा है टूटा यार। नमः शिवाय। ओए 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 अभी ये क्या हो रहा है? दशानन के माध्यम से यह सिद्ध हो गया है कि कैलाश की नियति में भवन है ही नहीं। ये जो भगवान शिव जी क्यों कह रहे थे और यदि दशानन ने यह सत्य स्वीकार कर लिया तो उनका उद्धार अवश्य हो जाए। माता जी अब मान चुकी है कि कैलाश की नियति में है ही नहीं यार। ये एपिसोड एक मैं कहता हूँ कि कसम से यार राम, मैं इसमें रावण का दिल टूटते हुए देखा है। आय हाय हाय और क्या यार, किस तरह देख यूं सारे कंधे झुके हुए सर झुका, किस तरह भाई ओम नमः शिवाय करके भवन लेके चला गया। उसका चेहरा देखा था रोना, एक जिसका होता है ना कि दिल टूट गई, उम्मीद टूट गई, जो भगवान शिव जी को सपना पाने का था वो टूट चुका है इनका। समझ तो गए लेकिन हमें पता है कि रावण कैसे थे। हो सकता है कि यहाँ से ये बिगड़े, हो भी सकता है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक चीज आप एक मन से करो और आपको वही चीज मना हो जाए तो वो बंदा फिर बिगड़ सकता है। वाह क्या खुर्रम, वाह क्या, तेरी बात 100% करेक्ट है यार। हाँ। लेकिन यार बहुत ज्यादा बुरा, लेकिन यार मानना पड़ेगा, लेकिन यार
देखो उसने जो सोचा वो चीज होनी ही नहीं थी ना। अब देखो अब आजकल भी अगर अब कोई घर होता है खुरम ठीक, अगर हम किसी के नाम कर देते हैं घर ठीक है, यूं लिख देते हम कहते हैं भाई चल हम लोग महीने दो तीन रुक जाएंगे, लेकिन वो ये थोड़ी कहेगा कि तुम लोग भी मेरे हो, अब तुम मेरे इशारों पे नाचो। या तो ये होता भाई घर बिका ना, लेकिन या घर दिया ना, ये तो नहीं अंदर रहने वाले लोग भी चले गए। हो सकता है वजह जी दक्षिणा के तौर पे मांगा था, लेकिन बात तो ठीक है भगवान शिव जी की, तुमने सिर्फ महल मांगा है और तुम उसको लो और तुम जाओ, भगवान शिव जी सबके और माँ एक के नहीं है और माता जी सब समझ गई है और पूरा परिवार भाई यही तो कहते हैं कि एक परिवार अच्छा परिवार यार यही बात है। और जिस तरह उसने उठाया है यार, यार वो देखने अबे वाला मैंने वो जब शुरू में माता जी ने कहा है कि अपना भवन ले चो, मैंने कहा है भवन किस तरह ले, चलो वो माना कि जो भी बड़ा भक्ति की पावर से पूरा भवन उठा लिया उसने पूरा, कहाँ पता नहीं लेकर जाते हैं अब ये नहीं पता। तो मतलब के कैलाश पर भवन बना बना था ये, वहाँ से उठा लिया गया ये बना था बना था लेकिन अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल तो इधर ही वीडियो खत्म कर देते।